ऐसे फाइट कर लेते है। धाम इतना बड़ा बड़ी ज्वाला है। इधर आ जा, पूरा फंसा है मूली। आपने भागने दीजिएगा। आप कहाँ भागेगा ये? कहाँ भागेगा? जोत है क्या? बड़ी विशाल। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इंडियन एस्पिटिकल कोबरा। एक बार नहीं, इसको पकड़ने के लिए कम से कम हम तीन बार यहाँ आ चुके हैं इस घर में, है ना सर? जी 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 जी। ये तीन बार हम इस घर में आ चुके हैं इसी को पकड़ने के लिए, लेकिन ये हमसे भी ज्यादा होशियार निकला दोस्तों, नहीं पकड़ाया ये। लेकिन आज इसकी मजबूरी ये है कि ये जाल में फंसा हुआ है, इसलिए करके ये स्पॉट पे पकड़ा गया। तो दोस्तों इसको जाल से निकालने की कोशिश करते हैं। जाले लेके चले आइए। इधर फंसा है जाल, दिमाग लगाइए। जाल फंसा हुआ है। मेरे से जाल भी ना तो नहीं। भाग भाग लो, चलिए चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर पकड़ के। हाँ चलिए चलिए। चाल से ही फंसा है, बड़ी चाल से फंस गया। तमाशा देखने वाला है। आइएगा आएगा, चाल लग गया इसको देखने। हरा सब अच्छा रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलो बंद कर लीजिए सब सामान। बहुत बहुत निकल गया, ऐसे नहीं देगा। एकदम टैक नहीं देगा, बस कर लीजिए। सांप को फंसाने का यही एक अच्छा तरीका है, जाल जाल, समझ गए। फिर भी उसको काटना ही पड़ेगा, हमको क्या करेंगे। एकदम करीब से छोटा छोटा है ना। कट गया है सब। अब छोटा इसका फन, इसका फन जो है लागना। अच्छा
हटाइए जाल, हटाइए जाल, हटा ले जाल, हटाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बुरा स्थिति में था, ये जाल में फंसा हुआ था। लेकिन दोस्तों बेजुबानों के प्रति जो हम लोग का मोहब्बत है दोस्तों, कितना भी समय लगे या कैसे भी कंडीशन में सांप हो उसको बचा करके जंगल में जा करके रिलीज करते हैं। दोस्तों अगर हम नहीं आते तो शायद ये मर जाता, इसके अंदर जाल के अंदर जो है ये मर जाता। और दोस्तों अभी मौसम बदल चुका है, ऐसे मौसम में सांपों का निकलना लाजमी है। सांप जो है आपके घर में घुसेगा तो आप लोग प्लीज सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए ऐसे जहरीले जीवों से, नहीं तो इसके काटने के बाद बहुत कम चांस रहता है जीने का। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये। दोस्तों जब भी इसके साथ छेड़छाड़ या कोई बदतमीजी होता है जब भी जाकर ये बाइट करता है, जब तक दबेगा नहीं जब तक ये काटेगा नहीं। दोस्तों वीडियो को देख करके आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो मारे जाइएगा। ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है, एक्सपर्ट ही कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना फिट ये खड़ा हो सकता है, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। और वहां से वो यहां भी जंप मार सकता है सीधा। आप अगर भागे तो मतलब लूज कर रहा है, पूरा थक गया भाई ना, कौन सा कोई इसे देख रहा है। दोस्तों ऐसा अद्भुत नजारा सांप का बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों ये भी इंतजार में है कि हमको मौका मिले और हम इनको बाइट कर लें। ये भी दोस्तों जुगाड़ में लगा हुआ है, इंतजार में है कि किधर से हमको मौका मिले इनको काट के और हम निकल लें। दोस्तों जब भी आप इसके करीब में जाते हैं तो ये बाइट कर ले। कोई नियम नहीं है, अगर हमको भी काटता है तो हमारी भी जान ले लेगा। कोई नियम नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मांसाहारी है, कभी थक भी नहीं सकता है, साल भर खेलिएगा तो भी नहीं थकेगा। ये हमारी तरह जो है मर मसाला नहीं खाता है कि थक जाएगा, समझ गए। ये कच्चा मांस खाता है, मांसाहारी है, कभी नहीं थकने वाला है। ये अपना जंतर फंतर दे दिया। हाँ तुमरा ज्यादा हो जाता है, कम में कम हो जाएगा। इसे ही बेजुबान को बचाने के लिए हमारी आप मदद कीजिए,
अगर पर्यावरण बचाना है तो ये सांप को बचाना ही पड़ेगा दोस्तों। निकलते हैं फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए।